हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतिमा भारती एंड वेलकम टू चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पास्ट परफेक्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है गाइस? सबसे पहले इसका हम सिचुएशन समझेंगे कि किस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। सपोज दैट, मान लो आप घर पे हो, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपकी वाइफ है, आपको ऑफिस जाना है और आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। आपने अपनी वाइफ को बोला कि मेरा कपड़ा वॉशरूम में रखा हुआ है, तुम मेरा कपड़ा धो देना। आपकी वाइफ ने आपसे बोला कि नहीं, मैं आपका कपड़ा नहीं धुलूंगी, आप अपना कपड़ा खुद धो लेना। आपने बोला कि ठीक है और आप ऑफिस के लिए निकल गए। इधर आपकी वाइफ ने आपका कपड़ा धुल दिया। जब आप शाम में घर आए और वॉशरूम में गए तो आपने देखा कि आपका कपड़ा धुला हुआ था। तो अब बताओ आप दोस्तों, जब आपका कपड़ा धुल रहा था तो क्या आपने देखा? नहीं, आपके आंखों के सामने आपका कपड़ा नहीं धुला। यानी जब आप घर पहुंचे तो उससे पहले ही आपका कपड़ा धुल गया था, आपके आंखों के सामने कपड़ा नहीं धुला। यानी आपको घर पहुंचने से पहले ही आपकी वाइफ ने आपका कपड़ा धुल दिया था। तो जब ये सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तो आप यहाँ पे यूज करोगे पास्ट परफेक्ट। चलो एक और सिचुएशन लेते हैं। जैसे मान लो आप ऑफिस में हो, आपकी वाइफ ने आपको कॉल किया और उन्होंने बोला कि आज आप जल्दी घर आ जाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और घर आने के बाद भी आपको खाना बनाना है। आपने बोला कि चलो ठीक है, मैं आज घर जल्दी आ जाऊंगा। जब आपने घर पहुंचा और किचन में गया तो आपने देखा कि खाना बना हुआ था। तो अब बताओ आप दोस्तों, जब खाना बन रहा था तो क्या आप वहां पे थे? नहीं थे। यानी आपके घर आने से पहले ही खाना बन चुका था। जब आपने घर आया और किचन में गया तो आपने देखा कि खाना बन गया था। यानी आपके घर पहुंचने से पहले ही आपकी वाइफ ने खाना बना दिया था। तो जब ये सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तो आप आराम से यूज करोगे पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड, और सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी वाइफ ने कपड़ा धो दिया था। यानी मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरी वाइफ ने कपड़ा धो दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ है? सबसे पहले एक्शन हुआ है मेरी वाइफ ने कपड़ा धो दिया था। तो जो सबसे फर्स्ट एक्शन होगा उसे हम इस वाले रूल पे बनाएंगे, और जो सबसे लास्ट में एक्शन आएगा उसे हम इस वाले रूल पे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ है? सबसे पहले एक्शन हुआ है मेरी वाइफ ने कपड़ा धो दिया था। तो सबसे पहले हम इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा माय वाइफ। फिर इसके बाद पुट करना है हैड। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब हमारा वाज, और वाज का थर्ड फॉर्म होता है वाज्ड। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोथ। फिर इसके बाद लगाना है बिफोर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट,
यानी मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी वाइफ ने कपड़ा धो दिया था। माई वाइफ हैड वॉश्ड क्लोथ बिफोर आई रीच्ड होम। दोस्तों अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी वाइफ ने कपड़ा नहीं धोया था। मेरी वाइफ ने कपड़ा नहीं धोया था। सबसे पहले हम ये वाला स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे बनेगा, तो सबसे पहले यूज करना है माई वाइफ। सब्जेक्ट हमारा है माई वाइफ, फिर इसके बाद हैड, फिर इसके बाद पुट करना है दोस्तों नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब हमारा है धोना यानी वॉश, और वॉश का थर्ड फॉर्म होता है गाइस वॉश्ड। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोथ, फिर इसके बाद यूज करना है बिफोर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी मेरे घर पहुंचने से पहले, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ आई, फिर इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब हमारा पहुंचना यानी रीच, और रीच का सेकेंड फॉर्म होता है रिस्ड। रिस्ट कहाँ? घर यानी होम। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी वाइफ ने कपड़ा नहीं धोया था। माई वाइफ हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ बिफोर आई रीच्ड होम। सो गाइस अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके घर पहुंचने से पहले आपकी वाइफ ने कपड़ा धो दिया था? तो सबसे पहले हम बनाएंगे आपकी वाइफ ने कपड़ा धो दिया था इस वाले स्ट्रक्चर पे, तो सबसे पहले हमें लिखना है हैड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है आपकी वाइफ यानी योर वाइफ, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है धोना यानी वॉश, और वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड। क्या कपड़ा? क्लोथ। फिर इसके बाद बिफोर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, आपके घर पहुंचने से पहले, सब्जेक्ट है यहाँ आपका यानी यू, फिर इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब है पहुंचना, और पहुंचना का इंग्लिश रीच, और रीच की सेकेंड फॉर्म रिच्ड। कहाँ? घर यानी होम। क्या आपके घर पहुंचने से पहले आपकी वाइफ ने कपड़ा धो दिया था? Had your wife washed clothes before you reached home? So guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर ऑन कर लेना, ताकि मैं कोई भी इंग्लिश रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आसानी से आप तक पहुंच सके। और हाँ, कल से इसका हम प्रैक्टिस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट से इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछें और पास्ट परफेक्ट से इंग्लिश में आंसर कैसे दें। थैंक यू।